हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप लोग चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। फ्रेंड्स, क्लास कैसे रहती है, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, प्लीज आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। स्टैंड अटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, हु इज दिस स्टैंड अटर। क्वेश्चन नंबर 31 में बताना है कि स्टैंड अटर कौन है, नेचर है, ड्यूटी है, सोल है या फिर कंसाइंस है। रिस्पॉन्स करिए। 31 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो फ्रेंड्स, स्टैंड अटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, ये जो फेमस लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ जी के द्वारा लिखी गई पोएम ओड टू ड्यूटी की ये लाइन है। ओके, ओड टू ड्यूटी। फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टैंड अटर ड्यूटी को कहा गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 32। वर्ड्सवर्थ वाज एक्यूज्ड ऑफ बीइंग द लॉस्ट लीडर बाई विलियम वर्ड्सवर्थ पर किसने आरोप लगाया लॉस्ट लीडर का? शेली ने लगाया, बायरन ने लगाया, अर्नॉल्ट ने लगाया या फिर ब्राउनिंग ने लगाया? रिस्पॉन्स करिए। विलियम वर्ड्सवर्थ जी को किसने लॉस्ट लीडर कहा है? 32। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो फ्रेंड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ जी जब पोएट लॉरेट बनते हैं 1843 में, और 1850 तक ये बने रहते अपनी मृत्यु तक, तो फ्रेंड्स विलियम वर्ड्सवर्थ जी कोई भी ऑफिशियल वर्क कंपोज नहीं करते हैं, कोई भी पोएम नहीं लिखते हैं, तभी इनको ब्राउनिंग लॉस्ट लीडर का आरोप लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ब्राउनिंग। ओके, वर्ड्सवर्थ वाज एक्यूज्ड ऑफ बीइंग द लॉस्ट लीडर बाई ब्राउनिंग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों आरोप लगाते हैं? क्योंकि जब ये पोएट लॉरेट बन जाते हैं तो कोई भी ऑफिशियल कोई भी पोएम या कोई भी वर्क कंपोज नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। 33 को रिस्पॉन्स के राइट आंसर क्या होगा? द फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई व्हिच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड फ्रॉम व्हिच पोएम आर दीज लाइन्स कोटेड। द फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई व्हिच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। फ्रेंड्स, ये जो फेमस लाइन है किस पोएम से ली गई है? रिस्पॉन्स करिए। रैनबो पोएम की है, टिंटरनबे पोएम की है, डेफोडिल्स पोएम की है या फिर सोलाइटी रीपर की है? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा? द फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई व्हिच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। ये जो फेमस लाइन है डेफोडिल्स पोएम की लाइन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, डेफोडिल्स जो पोएम है 1807 में पब्लिश होती है, पोएम इन टू वॉल्यूम्स में। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। 34 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोमन प्ले। कौन सा रोमन प्ले नहीं है? एंटोनियन क्लियोपेट्रा नहीं है, कोरियोलेनस नहीं है, जूलियस सीजर नहीं है,
टीमन ऑफ एथेंस नहीं है। रिस्पॉन्स करिए, क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोमन प्ले। तो फ्रेंड्स, रोमन प्ले कौन कौन से ध्यान रखिएगा, सिंपल सा आप लोगों को याद रखना है, जैक, जे ए सी, ओके, जे से हो जाएगा जूलियस सीजर, ए से हो जाएगा एंटोनियन क्लियोपेट्रा, सी से हो जाएगा कोरियोलेनस, ओके, जैक, जूलियस सीजर, जे फॉर जूलियस सीजर, ए फॉर एंटोनियन क्लियोपेट्रा, सी फॉर कोरियोलेनस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा गया कौन सा रोमन प्ले नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, टाइमन ऑफ एथेंस जो है ये रोमन प्ले नहीं है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन कौन से रोमन प्ले हैं, एंटोनियन क्लियोपेट्रा, कोरियोलेनस, जूलियस सीजर, ये जो थ्री प्लेज हैं रोमन प्लेज की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, सिंपल सा आप लोग ये ट्रिक याद रखना, जैक, जे फॉर जूलियस सीजर, ए फॉर एंटोनियन क्लियोपेट्रा, सी फॉर कोरियोलेनस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट 35, व्हाट इज रेप ऑफ लुक्रीज। रेप ऑफ लुक्रीज क्या है, सोनेट है, अ नरेटिव पोएम है, एन अर्ली कॉमेडी है, या फिर अ सीन इन कोरियोलेनस है। 35 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज रेप ऑफ लुक्रीज। रेप ऑफ लुक्रीज की बात करें तो फ्रेंड्स, ये लॉन्ग नरेटिव पोएम है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, ये जो पोएम है 1594 में कंपोज की गई, रायमा रॉयल स्टेंजा में लिखी गई है, रायमा रॉयल। ओके फ्रेंड्स, शेबल लाइन स्टेंजा को रायमा रॉयल स्टेंजा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसकी जो राइमिंग स्कीम है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, ए वी ए वी बी सी सी, ए वी ए बी बी सी सी, ध्यान रखना। रेप ऑफ द लुक्रीज जो है राइम रोल स्टेंजा में लिखी गई है, शेबल लाइन स्टेंजा को राइम रोल स्टेंजा कहा जाता है, इसकी जो राइमिंग स्कीम है ए वी ए वी बी सी सी। ओके, तो 35 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1594 में पोएम कंपोज होती है, पब्लिश होती है, गॉट इट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा। फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ पिक्वेंसी। पिक्वेंसी की राइट स्पेलिंग क्या होगी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली 36। पिक्वेंसी की कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, या फिर डी करेक्ट है। फ्रेंड्स, पिक्वेंसी की मीनिंग की बात करें तो इसकी मीनिंग हो जाएगी उत्तेजकता। ओके, उत्तेजकता हो जाएगी, मीनिंग क्या हो जाएगी, पी आई क्यू यू ए एन सी वाई, पिक्वेंसी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 36 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, पी आई क्यू यू ए एन सी वाई, पिक्वेंसी, मीनिंग क्या हो जाएगी, उत्तेजकता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 37, ऑसिलेट। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ऑसिलेट। ऑसिलेट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स करिए 37। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो ऑसिलेट की मीनिंग हो जाएगी कंपन। ओके,
मीनिंग देख लीजिए, ओ एस सी आई डबल एल ए टी ई, और सिलेट डबल एल आएगा, ओ एस सी आई आएगा, ओके। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओ एस सी आई डबल एल ए टी ई, और सिलेट मीनिंग क्या हो जाएगी, कंपन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फॉर वेरेंस। फॉर वेरेंस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। 38 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा। 38, फॉर वेरेंस की मीनिंग की बात करें तो इसकी मीनिंग हो जाएगी संयम, आप कह सकते हैं काम, ओके। तो फ्रेंड्स मीनिंग क्या होगी, ध्यान दीजिए, एफ ओ आर फॉर वी ई ए आर ए एन सी ई, फॉर वियरेंस, एफ ओ आर फॉर वी ई ए आर ए एन सी ई, फॉर वियरेंस, मैच कर लीजिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। 38 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 39, रिकैल्सिट्रेंट की मीनिंग क्या होगी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। 39 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा, रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट की मीनिंग की बात करें तो इसकी मीनिंग हो जाएगी प्राउड, ओके, सुपरशीलस आप कह सकते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो फ्रेंड्स आप इसको घमंडी कह सकते हैं, राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगी, आर ई री सी ए एल, ओके, सी आई रिकैल्सी ट्रेंट, टी आर ए एन टी, रिकैल्सी ट्रेंट, आर ई री सी ए एल सी आई रिकैल्सी ट्रेंट, मीनिंग क्या हो जाएगी, घमंडी प्राउडी, ओके। तो फ्रेंड्स यहां पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 39 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रिकैल्सी ट्रेंट। क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड सेडिशन की राइट स्पेलिंग क्या होगी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, रिस्पॉन्स करिए, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो फ्रेंड्स यहां पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यस ई डी आई टी आई ओ एन, सेडिशन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 41 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 41, आदर्श अवाइड अवर क्वेश्चन दाउ वर्ड फ्री, बी आस्क एंड आस्क, दाउ स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल, हु डज मैथ्यू अर्नॉल्ड रिफर टू इन दिस पोएम। इस पोएम में मैथ्यू अर्नॉल्ड किसको रिफर करते हैं, चाउसर को, स्पेंसर को, विलियम शेक्सपियर को या फिर ड्राइडन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा। 41, आदर्श अवॉइड अवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, बी आस्क एंड आस्क, दाउ स्माइलेस्ट आर्ट स्टिल, हु डज मैथ्यू अर्नॉल्ड रिफर इन दिस पोएम। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है, ओके। इस पोएम में मैथ्यू अर्नॉल्ड जी विलियम शेक्सपियर को रिफर करते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओके। 41 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42,
Which of the following poems of Spenser is a pastoral? कौन सी पोएम स्पेंसर की पेस्टोरल पोएम है? रिस्पॉन्स करिए, एम्ब्रोटी, इपिटेल्मियन, एस्ट्रोफेल, द शेफर्ड्स कैलेंडर। 42 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? कौन सी पोएम स्पेंसर की पेस्टोरल पोएम है? क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द शेफर्ड कैलेंडर जो है स्पेंसर की पेस्टोरल पोएम है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 43, फाइंड आउट फिगर ऑफ स्पीच। आई सी यू कमिंग आउट ऑफ अ लाइट ब्लू कार टुमारो। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? लेट टीच, पन, पथेटिक फैलसी, इन विंडो। 43 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? आई सी यू कमिंग आउट ऑफ अ लाइट ब्लू कार टुमारो। फ्रेंड्स, इस फेमस लाइन में इन्यू इंडो फिगर ऑफ स्पीच है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 44, द करेक्ट स्पेलिंग इज एक्यूमिलेशन। एक्यूमिलेशन की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो एक्यूमिलेशन मीन्स होता है आपस में मिलाना या कह सकते हैं पचाना, किसी वस्तु को मिलाना या पचाना। तो फ्रेंड्स, की राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ए डबल सी यू एक्यू, यानी एक्यूमिलेशन में डबल सी आएगा। ए डबल सी यू, सिंगल यम आएगा, एक्यूमिलेशन, यम यू एल ए टी आई ओ एन, एक्यूमिलेशन। ओके, सिर्फ डबल सी आएगा ना कि डबल यम, मैच कर लीजिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 44 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 45, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवेंज ट्रेजेडी। कौन सी रिवेंज ट्रेजेडी नहीं है? हेमलेट नहीं है, द डचेज ऑफ मेल्फी नहीं है, वॉलफोर्न नहीं है या फिर गारबोडक नहीं है। रिस्पॉन्स करिए, 45 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग जानते हैं कि गारबोडक को फर्स्ट ब्लैंक वर्ड ट्रेजेडी कहा जाता है, फर्स्ट ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी। ओके, गारबोडक क्या है? फर्स्ट ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी है। ओके, बट यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी रिवेंज ट्रेजेडी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वालपोन जो है ये रिवेंज ट्रेजेडी नहीं है, बल्कि क्या है? कॉमेडी है। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक। आई विल टेक डैश, इट डजेंट मैटर विच। यहां पर क्या फिलअप किया जाएगा? नीदर, इधर, द बेस्ट, नन ऑफ दीज। 46 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? आई विल टेक डैश, इट डजेंट मैटर विच। तो फ्रेंड्स, यहां पर
इधर फिलअप किया जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 46 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 47, द मैन डिनाइड डैश इन द हाउस, क्या फिलअप किया जाएगा? हैविंग सीन, हैव सीन, टू बी, बीइंग। 47 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 47, द मैन डिनाइड डैश इन द हाउस, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, हैविंग सीन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यहां पर हैविंग सीन फिलअप किया जाएगा। ओके 48, दिस इज वन इज डैश ऑफ द टू, यहां पर क्या फिलअप किया जाएगा? गुड, बेस्ट, बेटर, द बेटर। 48 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? दिस इज वन इज द डैश ऑफ द टू। फ्रेंड्स, यहां पर दो की बात हो रही है, जब भी तुलना दो के बीच होगी तो कंपरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द यूज किया जाएगा। तो दिस इज वन, दिस वन इज द बेटर ऑफ द टू, यानी यहां पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यहां पर द बेटर फिलअप किया जाएगा। ओके ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ही गॉट डैश होम लेट, फिलअप करिए, क्या फिलअप किया जाएगा? टू आएगा, द आएगा, टू द आएगा, या फिर नन ऑफ दीज, नो आर्टिकल। 49 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, यहां पर नो आर्टिकल आएगा, नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके 50 रिस्पॉन्स करिए, इफ यू ट्राइड अगेन यू डैश सक्सीड, इफ यू ट्राइड अगेन यू डैश सक्सीड, यहां पर क्या फिलअप किया जाएगा? विल, शैल, वुड, कैन। क्वेश्चन नंबर 50 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 50, इफ यू ट्राइड, फ्रेंड्स यहां पर पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो फ्रेंड्स यहां भी पास्ट टेंस फिलअप किया जाएगा, तो वुड हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इफ यू ट्राइड अगेन यू वुड सक्सीड, यहां पर वुड फिलअप किया जाएगा। ओके ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नोट इम्प्रूवमेंट सेंटेंस, सेंटेंस को इम्प्रूवमेंट करना है। ही हैज प्लेड फॉर द नेशनल टीम इन 65 मैचेस सो फॉर, यहां पर हैज प्लेड को इम्प्रूवमेंट करना है। हैज प्लेड के स्थान पर क्या होगा? इज प्लेइंग होगा, हैव प्लेज होगा, प्लेइंग होगा, या फिर ऑप्शन डी प्ले होगा, या फिर ऑप्शन ई नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। 51 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? ही हैज प्लेड फॉर द नेशनल टीम इन 65 मैचेज सो फॉर। फ्रेंड्स, यहां पर ही जो सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हैज आया है, आप सभी लोग जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज प्लस हैव के बाद वी थ्री यूज होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पर हैज प्लेड ओके है, ऑप्शन ई राइट हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। सेंटेंस में किसी प्रकार की कोई इरर नहीं है, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट 52, वेट हियर अंटिल आई विल कॉल यू,
विल काल को इम्प्रूव करिए, विल काल को इम्प्रूव करिए, आई एम कॉलिंग, एम गोइंग टू कॉल या कॉल, या फिर ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। 52 का राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, वेट हियर अंटिल, यहां पर जो अंटिल वाला जो क्लॉज है इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा, तो यहां से आपका विल हट जाएगा, सिर्फ कॉल रहेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वेट हियर अंटिल आई कॉल यू। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 53, सिंस द कार ब्रोक डाउन वी मस्ट गेट अ टैक्सी। मस्ट गेट को इम्प्रूवमेंट करना है, इसके स्थान पर क्या आएगा? मस्ट हैव गॉट आएगा, हैड गॉट टू गेट आएगा, या फिर हैड टू गेट आएगा, या ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। 53 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? घटना ये पास्ट टेंस की है, ब्रोक डाउन, यहां पर मस्ट गेट नहीं होगा, मस्ट गेट के स्थान पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा, हैड टू गेट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, मस्ट गेट के स्थान पर क्या हो जाएगा? हैड टू गेट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं घटना पास्ट टेंस की है, जब भी हैड आएगा तो हैड आएगा प्लस टू रहेगा, टू के बाद प्लस बी वन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये स्ट्रक्चर रहता है, हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, द स्टूडेंट्स मेड सम रिसर्च ऑन द बेनिफिट्स ऑफ इरीगेशन इन एग्रीकल्चर। 54 को इम्प्रूवमेंट करिए, मेड सम रिसर्च, इसके स्थान पर क्या होगा? डिड सम रिसर्चेस, या ऑप्शन बी डिड सम रिसर्च, या ऑप्शन सी मेड रिसर्च, या ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। 54 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, डिड सम रिसर्च, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि रिसर्च मीन्स क्या होता है? शोध करना। ओके, शोध करना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिफ्टी फाइव, द चिल्ड्रेन वर इंजॉयड टेकन टू द जू। फ्रेंड्स, वर इंजॉयड टेकन के स्थान पर क्या होगा? इंजॉयड बीइंग टेकन, वर इंजॉयड टेकिंग, इंजॉयड टेकिंग, या फिर ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। 55 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो फ्रेंड्स, यहां पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, इंजॉय टेकिंग, आप सभी लोग जानते हैं इंजॉय। ओके, इंजॉय के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहती है, वर्ब आईएनजी फॉर्म में रहती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 56, एंटोनिम ऑफ द वर्ड सुपर सीलस। सुपर सीलस का एंटोनिम क्या होगा? नीडलेस होगा, हाईब्रो होगा, रूड होगा, मीक एंड हम्बल होगा। रिस्पॉन्स करिए, 56 का राइट आंसर क्या होगा? एंटोनिम, ध्यान रहे अपोजिट बताना है, एंटोनिम देना है सुपर सीलस का। सुपर सीलस की मीनिंग की बात करें तो इसकी मीनिंग हो जाएगी घमंडी, घमंडी, या फिर आप कह सकते हैं प्राउड। तो फ्रेंड्स, यहाँ इसकी एंटोनिम की बात करें तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, मीक एंड हम्बल।
बहुत ही विनम्र, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नीडलेस आवश्यकता से ज्यादा होना, हाईब्रो घमंडी होना, रूड अभद्र। ओके, तो 56 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मीक एंड हम्बल। 57, एंटोनिम ऑफ एग्रावेट, एग्रावेट का एंटोनिम क्या होगा? एलिवेट होगा, डेप्रिशिएट होगा, सब्सिडाइज होगा या फिर एक्सटिंग्विश होगा। रिस्पॉन्स करिए, 57 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें तो फ्रेंड्स, एग्रावेट मीन्स होता है किसी भी वस्तु को बढ़ाना, आप कह सकते हैं इंक्रीज, इंक्रीज करना। ओके, बट यह एंटोनिम की बात करेंगे तो एलिवेट हो जाएगा। एलिवेट मीन्स क्या होता है? अलग करना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एग्रावेट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? एलिवेट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, एंटोनिम ऑफ इंटेंशनल, इंटेंशनल का एंटोनिम क्या होगा? एक्सीडेंटल होगा, अनडिसाइडेड होगा, कंसंट्रेटेड होगा या फिर ब्रोकन होगा। रिस्पॉन्स करिए, 58 का राइट आंसर क्या होगा? एंटोनिम ऑफ इंटेंशनल, इंटेंशनल मीन्स होता है जानबूझकर, जानते हुए। ओके, तो फ्रेंड्स इसके एंटोनिम की बात करें तो एक्सीडेंटल हो जाएगा, अचानक घटने वाला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंटेंशनल का एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सीडेंटल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, एंटोनिम ऑफ केयरफुल, केयरफुल का एंटोनिम क्या होगा? नेग्लिजेंट होगा, अवेयर होगा, अवेक होगा, अलर्ट होगा। रिस्पॉन्स करिए, 59 का राइट आंसर क्या होगा? एंटोनिम ऑफ केयरफुल, केयरफुल की मीनिंग की बात करें तो केयरफुल मीन्स होता है सावधान, या आप कह सकते हैं चौकन्ना। ओके, तो फ्रेंड्स इसके एंटोनिम की बात करें तो नेग्लिजेंट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, एंटोनिम ऑफ कायोटिक, कायोटिक का एंटोनिम क्या होगा? अनक्लियर होगा, वैल्यूलेस होगा, ऑर्डरली होगा या फिर इनकम्प्लीट होगा। रिस्पॉन्स करिए, क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो कायोटिक, कायोटिक मीन्स होता है आप कह सकते हैं डिसऑर्डर, डिसऑर्डर, कोई भी वस्तु का ऑर्डर में ना होना कायोटिक कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसके एंटोनिम की बात करें तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑर्डरली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अनक्लियर, जो क्लियर ना हो, वैल्यूलेस जिसकी कोई वैल्यू ना हो, इनकम्प्लीट जो अधूरा हो। तो क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप लोग चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।